गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप? वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑल इन वन नॉलेज। आज वेस्ट इंडीज़ वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो ग्रुप स्टेज का मैच चल रहा है, तो देखते हैं कैसा मैच होगा। दोनों ही टीमें अपने पहला मैच जीत चुके हैं, जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने एक बेहतरीन प्रदर्शन किया था अगेंस्ट पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी तरह से खेल रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या होगा। आज का जो मैच होने वाला है वो ग्राउंड बहुत ही छोटा है, तो स्क्वायर बाउंड्री बहुत ही छोटी है, तो स्कोर बड़ा होने की अपेक्षा है। और वेस्ट इंडीज़ में आप जानते हो कि कैसे हार्ड हिटर बैट्समैन है, और ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ही तगड़ी टीम है। तो देखते हैं कि आज का मैच लगता है कि बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच होगा। सो इसके लिए मैं आपको ड्रीम इलेवन के लिए क्या टीम होनी चाहिए उसके लिए आपको सजेशन करूँगा। आपको अगर मेरी टीम अच्छी लगती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सो अभी आते हैं विकेट कीपर बैट्समैन की तरफ। सो एलेक्स केरी और शाय होप, जो कि आप जानते हैं कि शाय होप अभी बेहतरीन फॉर्म में है, अच्छी कीपिंग करते हैं, जो कि उनका प्रीवियस रिकॉर्ड है, उन्होंने कंसेक्यूटिव सेंचुरी मारे हैं, तो आप शाय होप को प्रेफर कर सकते हो इंस्टेड ऑफ एलेक्स केरी। और एलेक्स केरी जो बॉटम में खेलते हैं तो चांसेस कम है उनके बैटिंग आने के, सो आप शाय होप को सिलेक्ट कर सकते हो। सेकेंड आते हैं हम लोग बैट्समैन के ऊपर। मैंने यहाँ पे चार बैट्समैन सिलेक्ट किए हैं, उसमें भी मैंने क्रिस गेल जो यूनिवर्स बॉस है, जो कि पूरी तरह से फिट नहीं थे, बट अभी न्यूज़ आई है कि वो पूरी तरह से फिट है, तो ये मैच में खेलने की संभावना है। जो कि ऑस्ट्रेलिया के ओपनर है डेविड वार्नर, उनको मैंने सिलेक्ट किया है। स्टीवन स्मिथ जो एवरग्रीन बैट्समैन है, जो स्कोर बोर्ड टिकलिंग करते रहते हैं, तो उनको मैंने पिक किया है टीम में। और मेरे टीम में एक है निकलस पूरन, उनको भी मैंने सिलेक्ट किया है। निकलस पूरन एक बेहतरीन बल्लेबाज है, जो कि एक हार्ड हिटर बैट्समैन है, जो कि स्पिन को बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, जो इनसाइड आउट शॉट के लिए बहुत फेमस है। तो निकलस पूरन को मैंने सिलेक्ट किया है, जो कभी कभी विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं। अगर शाय होप कुछ इंसर्ट हो जाते तो उनको रिप्लेस के लिए निकलस पूरन है। अभी आते हैं ऑलराउंडर की कैटेगरी में। ऑलराउंडर में मैंने दो ऑलराउंडर को पिक किया है, जेसन होल्डर और मार्कस स्टोइनिस। जेसन होल्डर जो कि एक ऊंचे लंबे कद के गेंदबाज है, जो कि लास्ट प्रीवियस मैच में आपने देखा कि बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी, और एक अच्छे बैट्समैन भी है, तो मैंने जेसन होल्डर को प्रीफर किया है। मार्कस स्टोइनिस जो अच्छे गेंदबाज भी है, बैटिंग भी करते मिडल ऑर्डर में, तो स्टोइनिस एक बेटर ऑप्शन रहेगा एज एन ऑलराउंडर। अभी आते हैं बॉलर्स पैट कमिन ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हमारे पास एक प्री प्लान्ड है टू स्टॉप द यूनिवर्स बॉस, दैट इज क्रिस गेल को रोकने के लिए उनके पास प्रीवियस प्लान है। तो उनका हिट ऑफ द डेक बॉलर है वो, मैंने पैट कमिंस को पिक किया है। देन है ओशन थॉमस, एक बेहतरीन गेंदबाज है, तो मैंने ओशन थॉमस को पिक किया है। शैनन कॉटरेल जो अच्छे लेफ्ट आर्म बॉलर है, जो बहुत ही बढ़िया स्विंग करते हैं, सो ये मेरे गेंदबाज है। और एज एक बॉलर मैंने जेसन बैरनड्रॉफ को सिलेक्ट किया है। हो सकता है जेसन बैरनड्रॉफ ना खेले, बट अगर उनको मौका मिला तो वो भी बढ़िया गेंदबाज है। और आपको एक चॉइस बताता हूँ कि आप नैथन लायन को पिक कर सकते हो, क्योंकि सामने वाले टीम में टॉप ऑर्डर में आप देखोगे क्रिस गेल, डायरन ब्रावो, शैरन हेटमायर, निकलस पूरन बहुत ही मतलब अच्छे बल्लेबाज है, बट वो पूरे लेफ्ट हैंडेड है, तो उनके लिए ऑस्ट्रेलिया का प्लान रहेगा कि वो नैथन लायन को जो एक बढ़िया ऑफ स्पिनर है उनको ले आए। सो देखते हैं कि बिफोर द मैच क्या होगा, बट ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। जो मैंने आपको ड्रीम इलेवन का टीम दिखा है वो एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। जेसन बैरनड्रॉफ आपने देखा ही होगा, मुंबई इंडियंस के बेहतरीन गेंदबाज है। सो अभी बारी आती है कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो मैंने मेरे टीम में शाय होप को एज अ कैप्टन रखा है। आपके लिए दो चॉइस हो सकती है, आप इधर डेविड वार्नर को भी कैप्टन कर सकते हो, और वाइस कैप्टन के लिए आपके पास भी दो चॉइस है। एक तो आप स्टीवन स्मिथ को कर सकते हो, या फिर पैट कमिंस को। गेंदबाजों को भी मैंने एक चांस दिया एज अ वाइस कैप्टन, सो मैंने पैट कमिंस को वाइस कैप्टन रखा है। देखते हैं कि आज का मैच कैसे होगा। अगर आपको मेरी टीम अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए, कुछ सजेशन हो तो वो भी लिख के भेजिए। थैंक्स अ लॉट।